आज मैं आपको आशुतोष महाराज जी की एक कविता सुनाऊंगा जिसके माध्यम से वह भारत के सोलह नागरिक को जगाना चाहते हैं। तो आशुतोष महाराज जी बोलते हैं कि हे भारत के राम स्वरो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के राम स्वरो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ, सौ धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। सुनो हमारे कैद हुआ है दुश्मन की जंजीरों में, और आज बता दो कितना पानी है भारत के वीरों में। दक्षिण वाला जगह शिवाजी ऊंचा जी का राजा मरने की हठाना करते दिक्कत मरा को के राजा छत्रसाल बोले राजा के पंजाबी कमान चले और दो दिन जिया शेर के मौके वो की पुसुल्तान चले और कलवा है का जगह मोर्चा पानी पर मैदान चले और भगत सिंह की फांसी जगह राजपुर के प्राण चले और जिसकी छोटी सी लकड़ी से संगीत दिखाई गई फिर उधर को जीता हो पहुंचे सात समुद्र पार गई मानवता का प्राण जगे और भारत का अभिमान जगे उस लकड़ी वाली कोटी वाले पापों का बलिदान जगे और आजादी की दुनिया को जो सबसे पहले चुन गया स्वयं का पंक्ति का खाकर सातों भगत को गया उस सुबह की याद जगे उस सुबह की शान जगे ये भारत देश महान जगे ये भारत की संतान जगे। तो छोटी लेके मांग रहा हूँ कोई सी शांति दो भारत का धर्म भूखा है कोई प्राणदान दे दो वाली कोई चलो अरे कोई मत अपने नाम की चूड़िया तो पहना दो और कौन की है उसकी मांग करेगा और कौन कमल का पर्व दिखा कर उस पर शयन करेगा और क्या कहते हो मेरे भारत से चीन का चाहिए अरे चीनी को कम पानी में बोल बोल दी जाएंगे। आज लगाने आया हूँ हे भारत के राम चलो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ।